स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं जींद ऑर्गेनिक मेला जो कि अग्रवाल धर्मशाला में है, और हमारे साथ है सुखदेव शोगन जी जो खरकपुरा गांव से हैं और पिछले 4 साल से ये ऑर्गेनिक में खेती और फ्रूट सब्जियों और फ्रूट का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अमरूद, बेर, मटर, गोभी, आलू, सिंगरे, ये सब इनके प्रोडक्ट है और पूरी तरह ऑर्गेनिक है। अभी आपको सुखदेव जी से मिलाते हैं। नमस्कार सुखदेव जी। हाँ जी नमस्कार जी। सुखदेव जी यहाँ पधारने के लिए आपका। सुखदेव जी, आप ये खेती में जो ऑर्गेनिक सब्जियों का और फ्रूट का ये काम कब से कर रहे हैं? ये तो जी कई साल से चल रहा है। हाँ, पिछले 4 साल से ऑर्गेनिक गेहूं बोने लग रहा हूं मैं। अब भी है ना, ऑर्गेनिक सरसों भी है, ऑर्गेनिक गेहूं भी है, आलू भी है, ये सब्जियां आप देख ही रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको सेल कहाँ पे हो जाता है सारा माल आपका? तो जी ऑर्डर पे सेल हो जाता है। ये जो ऑर्गेनिक फार्मर्स का है ना ग्रुप है, उस ग्रुप में हम ये डायरेक्ट कंसेप्ट है कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का। फार्मर और कंज्यूमर है ना, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब किसान से सीधा कंज्यूमर के पास चला जाता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। हाँ, कोई मीडिएटर नहीं है। तो एक बात बताओ कि जैसे सब्जी है, सब्जी का भाव जो नॉर्मल सब्जियां और ऑर्गेनिक सब्जी के भाव में कितना फर्क है? इसका कम से कम 3 गुना फर्क है। हाँ, अगर मान लो बेर अगर मेरे को 20 रुपये किलो बाहर मिल रहे तो यहाँ 60 रुपये मिलेंगे, यहाँ पे 50 रुपये कर 50। हाँ, ये 50 है। हाँ जी, 50। अच्छा, तो आपको इस भाव में सारा माल बिक जाता है? बिल्कुल बिक जाता है जी। अच्छा, दूसरा उमेश जी, जैसे इसार से अगर कोई व्यक्ति आपसे मंगवाना चाहता है तो आप फिर कैसे कर? इसार या किसी भी ज़िले में, हाँ, किसी भी शहर में, तो वो संभव है? बिल्कुल संभव है जी, उसको कोरियर कर दिया जाएगा और मतलब कोरियर का चार्ज तो नहीं के लगेगा। अच्छा, तो ये तो नहीं कि सब्जी बासी हो जाए अब कुछ ऐसा? ऐसा है जी, 2-3 दिन तक तो वैसे वो नहीं होता। हाँ, और इसकी जो ये जो सब्जी है ऑर्गेनिक और जहर वाली सब्जी है जो जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं, उनमें दिन रात का फ़र्क है। हाँ जी। हाँ, अच्छा, इतनी ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है। सुखदेव जी, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, अगर कोई भी आल हरियाणा में व्यक्ति आपको हमारे माध्यम से इस वीडियो को देख के आपसे जैविक खेती, जैविक जो फ्रूट है सब्जियां हैं वो लेना चाहता है या कोई भी प्रोडक्ट, तो आप अपना जी, मैं और भी काम कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या क्या? मेरा तो मिशन है ना, मिशन जागृति है। अच्छा। जहर मुक्त थाली का एक संकल्प लिया हुआ है और लोगों को रोगों से बचाने का एक संकल्प लिया हुआ है। एक छोटा सा प्रयास हमने करा है। देखो, मैं तो सिर्फ एक मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मेरे परिवार से के सदस्य हैं, काम वो करते हैं, जैसे मेरे चाचा जी हैं जो रामनिवास जी, ये संभालते हैं, मैं तो मतलब पार्ट टाइम ही संभालने मिलता हूँ। नहीं, आप किसी भी व्यक्ति हैं क्या क्या वो कर रहा हूँ, तो साथ में हम है ना वर्मी कंपोस्ट की एक यूनिट लगाई हुई है हमने, जो केंचुआ खाद बोलते हैं जिसको, और उससे है ना वर्मी वाश भी तैयार करते हैं हम। जैसे मतलब उसका जो पानी होता है ना केंचुआ का ऊपर, वो बिल्कुल ML के हिसाब से डाला जाता है किसी भी उसमें ग्रोथ प्रोमोटर के तौर पे, तो वो भी तैयार करते हैं हम। और खेत में केसर तक भी लगाया हुआ है हमने थोड़ा बहुत। केसर कामयाब हुआ अपने यहाँ? ऐसा है जी, ये पहली वो है ट्राई है, रिसर्च ही चल रहा है कह रहे हो। वैसे पौधे हो रहे हैं कम से कम 4-4.5 फुट के। हाँ, वो उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई किस तरह इसकी क्वालिटी मेंटेन होती है कि नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों, सुखदेव जी एक तरह से रिसर्च का कार्य कर रहे हैं जो आने वाले और किसान भाइयों के लिए एक मिसाल बन सके। जो जैसे केसर का काम पे काम कर रहे हैं, अगर इनका केसर वाला प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो यहाँ के किसान जो हरियाणा में इतनी गर्मी में हैं वो भी केसर का फसल ले सकेंगे। अगर आप इनका नंबर बता देते हैं आपको, आप जो भी किसान भाई इनसे कोई सहायता चाहते हैं तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं, बता दीजिए। नंबर पीछे इस पे हमारे फ्लैक्स पे प्रदर्शित है, ये दोनों नंबर ही हमारे हैं। अच्छा। वैसे मेरा खुद का नंबर है 9466078435। ठीक है। 94660 78435। ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, आपको ऑर्गेनिक से संबंधित कोई भी जानकारी सब्जी से लेनी हो, और जैसे इनका एक सेटअप तैयार हो चुका है जिसमें ये सब्जी बेच रहे हैं, तो अगर आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो और बिक नहीं रही तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हो। हाँ वैसे हाँ जी, वो एड्रेस भी बता देता हूँ मैं आपको, जी NH 352 है, जींद पटियाला रोड कह देंगे हम जिनको, उचाणे से आगे चलते ही खड़गपुरा गाँव आएगा, उसके इस साइड में तो होटल बन लग रहा है, उसके साइड में दूसरी साइड में है ना शोकंद जहर मुक्त कृषि एवं उत्पाद फार्म का आपको ये साइन बोर्ड लगा मिलेगा, वो बिल्कुल अपने फार्म के उसके ऊपर है, और वहाँ पे आप किसी समय भी आ सकते हैं। जिस भी साथी ने कोई जानकारी लेनी है, जिस साथी ने मतलब कोई आवश्यकता है सब्जी से संबंधित या कोई भी उत्पाद से संबंधित है, जैसे कि हम इसको सब्जी इसमें डालने के लिए जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करते हैं सारा, और ऑर्गेनिक ही पेस्टिसाइड तैयार करते हैं, जैसे आक, धतूरा, नीम, अदरक, लहसुन, हल्दी, और ये कहते हैं मिर्च, इनके द्वारा तैयार किया हुआ ही मतलब पेस्टिसाइड की जगह ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करते हैं। जिस भी साथी को जो भी जानकारी चाहिए 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, धन्यवाद सुखदेव जी, बहुत धन्यवाद जी।